हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसके गेमर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप के सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या वाकई हमें टीजीए आलोक दिया जा रहा है होली इवेंट पे बिल्कुल फ्री गोल्ड में, या अपना CR7 हमें गोल्ड में दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर क्या डीजी आलोक गोल्ड में गिफ्ट होगा, तो भाई सब चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर मार देना, ताकि फ्री फायर रिलेटेड वॉल्यूम अपकमिंग और प्रेजेंट अपडेट की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले करेक्टर्स की जानिब। तो भाई गाइज, यहाँ पे तो मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि अपना जो है करेक्टर गोल्ड में आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना स्काई लेयर करेक्टर CR7। ये तो आई थिंक अभी तक आप परचेज करेंगे तो आप परचेज कर सकते हैं 599 डायमंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बात करें डीजे आलोक की, तो डीजे आलोक कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट बात करें फुल बंडल की, तो भाई फुल बंडल भी आपको अगर ख़रीदना है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं 1200 डायमंड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें नीचे डीजे आलोक की, तो डीजे आलोक भी अभी तक गोल्ड में नहीं आया, और इसके गोल्ड में आने के चांसेस मेरे को 0% लग रहे हैं। भाई किसी भी इवेंट में आपको फ्री नहीं दिया जाएगा। होली इवेंट पे आपको एक चीज़ फ्री दी जा रही है, वो है इमोट, वो आप लोगों ने ले लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिया, और एक ग्लिच आ रहा है, बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछ रहे हैं इसके भाई ये क्या ग्लिच है, तो वो भी मैं आपको ख़त्म करके बता रहा हूँ कि उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट तो भाई, अगर आप परचेज करते हैं तो डायरेक्ट तो आपको परचेस गोल्ड में नहीं दिया जा रहा। अगर बात करें सेकंड गिफ्ट स्टोर में, क्या गिफ्ट स्टोर में इसको गोल्ड में रखा गया है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे चलो आते हैं गिफ्ट स्टोर में, और यहाँ पे अगर बात करें अपने के करेक्टर की, तो भाई ये तो गोल्ड में नहीं रखा गया, अपना डीजे आलोक भी गोल्ड में नहीं रखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं थोड़ा और नीचे आज के, तो CR7 भी भाई अवेलेबल है गिफ्ट स्टोर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो स्काई लेयर करेक्टर है वो भी अवेलेबल है गिफ्ट स्टोर में। तो चलो गोल्ड में तो नहीं आया, तो एक काम कर लेते हैं, मैं इनमें से दो करेक्टर स्काई लेयर CR7, इन दोनों में से एक करेक्टर यानी दो बंदों को जो आप लोग लेना चाहें, स्काई लेयर लेना चाहें या CR लेना चाहें, आप लोग मेरे से ले सकते हैं गिफ्ट स्टोर में, गिफ्ट से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री गिफ्ट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे मुझे जाके ज़रूर फॉलो करना होगा, और यहाँ पे अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी UID ज़रूर से ज़रूर दे देनी है, ध्यान से देनी है, सही तरीके से देनी है। UID जो होती है वो आपने देनी है अपनी इन गेम UID, कोई और चीज़ नहीं देनी, ठीक है। तो भाई कोशिश करेंगे कि आप लोगों को गिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ पे अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में क्या चीज़ें रखी गई हैं, यहाँ पे भी अगर ऊपर की जानी पर आप देख सकते हैं अपना किया जो करेक्टर है वो गोल्ड में रखा गया है। यहाँ पे अगर बात करें डीजे आलोक की, तो भाई डीजे आलोक की तो कोई चांसेस मेरे को नज़र नहीं आ रहे कि ये आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है होली इवेंट पे या किसी और इवेंट पे। बाकी अगर करेक्टर्स की बात करें, तो जी हाँ, बाकी करेक्टर जो है आपके गरीरा फ्री फायर के जो किसी काम के करेक्टर नहीं है, वो आपको गोल्ड में मिल रहे हैं। जैसे कि नीचे की जानिब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है गोल्ड में अपना शाइना करेक्टर जो है फीमेल का, वो आपको देखने को मिल रहा है। अपना मिगल करेक्टर जो है वो आपको गोल्ड में देखने को मिल रहा है। नीचे की जाने पर अगर बात करें, तो भाई अपना हयातो करेक्टर जो है वो आपको गोल्ड में परचेस कर सकते हैं, अपना किया करेक्टर जो है वो आप गोल्ड में परचेस कर सकते हैं, बाकी कोई करेक्टर आप नहीं परचेस कर सकते। यहाँ पे एक और जो ग्लिच आ रहा है अपना होली इवेंट में, जो आपको इमोट परचेस करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ दोस्तों को, वो क्या प्रॉब्लम है उसका, भाई अगर आप कोई भी यहाँ से इवेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे अगर बात करें अपने होली इवेंट का, तो उसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का ग्लिच आता है। किस टाइप का ग्लिच आता है, यहाँ पे हम चल लेते हैं थोड़ा सा नीचे और अपना होली इवेंट जो है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं होली इवेंट आप लोग जैसे ओपन करते हैं, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का ग्लिच आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको जो है बैक जाना पड़ता है, डायरेक्ट इस तरह से आ जाता है, आपके मिशन जो है आपको नहीं मिलते। इसकी आखिर वजह क्या है, अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं और अगर आप किसी और भी जगह से ओपन करते हैं, आपके सामने सेम इस तरह के ग्लिच आएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे आके यहाँ से ओपन करते हैं, तो भी भाई आपके सामने इस तरह का ग्लिच आएगा, ये ओपन नहीं होगा। इसकी असल वजह क्या है, इसकी असल वजह ये है कि आपने जो है फर्स्ट वाले मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं किए। ये वाले मिशन आप कंप्लीट करोगे तो ही आपको होली इवेंट वाला इमोट देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर देख सकते हैं इस अकाउंट के, मैंने जो है होली इवेंट के ये इवेंट नहीं कंप्लीट किए, तो ये अगर आप कंप्लीट करोगे तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो भाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।